दोस्तों, अगर कभी आपने सोचा है कि कैसा लगता होगा डायमंड्स पर चलना, तो सीधा चले जाइए जर्मनी के नर्डलिंग टाउन में। यह एक टिपिकल फेरी टेल विलेज जैसा ही है। क्यूट से हाउसेस, लाल रूफ। लेकिन जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि इसकी दीवारों और सड़कों पे सच में 72,000 से भी ज्यादा डायमंड्स लगे हुए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये वहां है जरूर। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। अब चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में। जब पहली बार लोग यहाँ पर आए थे करीब 9वीं सेंचुरी के आसपास, तो उन्हें लगा कि यह एक वोल्केनिक क्रेटर है जहां पर उन्हें बसना होगा। उनको ये नहीं पता था कि जो पत्थर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया उसमें हजारों छोटे छोटे डायमंड्स हैं। और ये क्रेटर कहां से आया? लगभग 14.5 मिलियन सालों पहले एक एस्टेरॉयड जो कि आधे मील के डायमीटर के आसपास का था, हमारे प्लेनेट पर गिरा और बेवेरिया में करीब 16 मील चौड़ा क्रिएटर छोड़ दिया। बेडरॉक इतना गर्म हो चुका था और दबाव में था कि इसके मौजूद कार्बन के बबल्स छोटे छोटे डायमंड्स में बदल गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंसंट्रेशन में डायमंड्स दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। लोकल्स ने अपने घरों को इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचाए हुए पत्थरों से बनाया, जो कि सुबह की रोशनी में चमक रहा था। फिर 1960 के समय दो जियोलॉजिस्ट अमेरिका से आए और लैंडस्केप को दूर से स्टडी किया, तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल भी वॉल्केनिक क्रेटर नहीं लग रहा। और भी ज्यादा अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी थ्योरी सही थी। ये क्रेटर ऊपर से शेप हुआ है, नीचे से नहीं। इस डिस्कवरी के बाद स्कूल बुक्स को भी बदलना पड़ा, ताकि स्टूडेंट्स को गलत गाइड ना किया जाए। जब इस क्रेटर के बारे में बातें और चर्चा में आई तो नासा को भी इसमें रुचि आई और अपने अपोलो 14 और अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने वहां भेजा, ताकि वो इस पे और अध्ययन कर सकें। लेकिन हम जितना इसके लिए उत्साहित हैं, लोकल्स इतना डायमंड्स के बीच रहते हुए भी इतने उत्साहित नहीं होते। उनके लिए ये एक आम बात बन चुकी है और उन्हें इसमें कुछ खास नहीं लगता। नर्डलिंग टाउन में ये यूनिक फीचर यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ और भी कुछ खास बातें हैं। शहर की स्ट्रीट्स और घरों में छुपी हुई एक राज। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात को जब मूनलाइट चमकती है तो यहाँ के डायमंड्स अपने आप में एक अलग ही चमक दिखाते हैं, जैसे कुछ खास रोशनी इनके अंदर मौजूद हो। इस वजह से यहाँ की सड़कें और यहाँ की गलियाँ कुछ अलग ही अद्भुत और मैजिकल सी दिखती हैं। नर्डलिंग टाउन की एक और दिलचस्प कहानी है जो शहर को और भी मिस्टीरियस बना देती है। कुछ लोकल्स कहते हैं कि अगर आप रात को इस शहर में अकेले घूमते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह जगह कुछ ज्यादा ही जीवित है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा बजा रहा हो, और लगता है जैसे हर एक डायमंड अपना अलग ही धुन गुनगुना रहा है। इसके अलावा नर्डलिंग टाउन में एक छोटा सा ऑब्जर्वेटरी भी है, जहां से आप आसमान को देख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो यहां का आसमान इतना साफ होता है कि आप यहां से स्टार्स और गैलेक्सीज को बहुत साफ देख सकते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी में अक्सर स्टार गेजिंग इवेंट्स भी होते रहते हैं, जिसमें लोकल्स और टूरिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। यह शहर टूरिस्ट के लिए भी एक खास जगह बन चुका है। लोग यहाँ आकर न केवल डायमंड्स को देखते हैं, बल्कि इसके मैजिकल ऑरा को भी महसूस करते हैं। नर्डलिंग टाउन का यह एक ऐसा मैजिकल वर्ल्ड है जो आपको असल दुनिया में एक मैजिकल फेरी
टेल के गांव जैसा उत्साहित करेगा। तो अगर आप भी किसी यूनिक और मिस्टीरियस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नर्लिंग टाउन आपके लिए एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन हो सकता है। तो क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या आप यहाँ पर घूमकर आ चुके हो? अपने राय, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ एक बार जरूर शेयर करें कमेंट्स में, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही कुछ मजेदार कहानियां लेकर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।